मार्वल के विलन्स हमेशा से ही बड़े अतरंगी एंड पॉप कल्चर में बड़े फेमस रहे हैं, खास करके एवेंजर्स फिल्म सीरीज के विलन्स। जैसा आपको पता है कि अब तक एवेंजर्स की 4 मूवीज आ चुके हैं एंड 5th मूवी मेकिंग में है, एंड जितने भी मूवीज के विलन्स हुए हैं वो सभी आइकॉनिक थे। बिकॉज एवेंजर्स की मूवी है तो विलन्स भी तगड़े ही होने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन सा एवेंजर्स का विलन है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है एंड कैसे। एंड इस वीडियो में मैं कैंग को भी कंसिडर करूंगा, लेकिन उसके MCU एंड कॉमिक्स के वर्जन को मिलाकर, एंड आगे आने वाले एवेंजर्स को देखते हुए। एंड इसमें थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होंगे एवेंजर्स 5 के, तो अपने हिसाब से देख लेना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करें सबसे पहले विलन की, तो वो है एवेंजर्स 1 का विलन, अपना लोकी। तो लोकी एक जायंट फ्रॉस्ट होता है, लेकिन बचपन से ही ओडिन ने उसे एसगार्ड में रख के पाला था, इसलिए वो हाफ एसगार्डियन भी होता है, जिसके पास मैजिकल मिस्चीवियस पावर्स होती हैं जो उसे अपनी माँ से मिलती है। एंड जैसा हमने एवेंजर्स में देखा था कि लोकी के पास एक सेप्टर होता है जिसकी मदद से वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज उस सेप्टर में माइंड स्टोन होता है। एंड इसके अलावा लोकी के पास पावर्स होते हैं इल्यूजन्स क्रिएट करना, एंड ऑब्वियस इसका अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, मतलब आप कह नहीं सकते कि वो कब धोखा दे देगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट विलन की तरफ चलते हैं, एंड वो है अल्ट्रॉन, जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें देखने को मिला था। अल्ट्रॉन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम होता है जो टोनी स्टार्क ने बनाया था वर्ल्ड में पीस बरकरार रखने के लिए, बट टर्न्स आउट कि वो एक नेगेटिव राह पर चला जाता है जो कि डिस्ट्रक्टिव हो गया पूरे वर्ल्ड के लिए। अल्ट्रॉन एक 10 फीट का रोबोट है जो कि अपना AI के दम पर एवेंजर्स के हर मेंबर को ढीला कर दिया था, मतलब इसके पावर्स होते हैं लेजर बीम्स छोड़ना, हवा में आयरन मैन की तरह फ्लाइट करना, सुपर स्ट्रेंथ, एंड सबसे बड़ा इसका ईविल दिमाग जिसे इंटरनेट का पूरा एक्सेस है, वो ऑनलाइन कुछ भी कर सकता है। मतलब मार्वल के कॉमिक्स में तो अल्ट्रॉन ने वर्ल्ड तक को कॉन्कर किया है एवेंजर्स को हरा कर, एंड आई जेन्युइनली थिंक कि हमें इन फ्यूचर ज़रूर अल्ट्रॉन को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं सबका फेवरेट एंड परहैप्स इस पूरे सेंचुरी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन, थैनोस, जो कि हमने हर MCU की मूवी में थोड़ा थोड़ा देखा है, एंड स्पेशली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम में। तो थैनोस एक इटर्नल है जो कि बड़ा हुआ था टाइटन नाम के प्लैनेट पे, एंड बचपन से ही उस पर जुल्म हुए थे बिकॉज वो वर्ल्ड पीस लाना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि यूनिवर्स जो है वो जालिमों से भरा है, एंड इसकी आबादी को आधा होना होगा तब जाके इस यूनिवर्स का बैलेंस ठीक होगा, जिसके लिए उसे पागल करार दिया गया था, एंड इसीलिए उसका नाम पड़ा मैड टाइटन। एंड यहाँ तक कि एवेंजर्स 1 में लोकी को भी उसी ने भेजा था अर्थ को डोमिनेट करने के लिए। थैनोस की पावर्स मोस्टली MCU में इन्फिनिटी गॉन्टलेट से आती है विथ ऑल द इन्फिनिटी स्टोन्स, जो उसने बहुत ही पावरफुल बना देती है। बट अगर कॉम्बैट स्टाइल की बात करें तो उसमें भी थैनोस को अपर हैंड है, चाहे इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग का हल्क के साथ ड्यूएल देखें या फिर एंड गेम का लास्ट बैटल अगेंस्ट आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड थॉर। बिना इन्फिनिटी स्टोन्स हुए भी उसने लिटरली छक्के छुरा दिए थे एवेंजर्स के। एंड लास्टली आते हैं अपने फाइनल कंटेंडर पे, जिसके बारे में अब तक ज़्यादा पता नहीं है, बट ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, कैंग द कॉन्करर, जो कि आने वाले MCU के मूवीज़ में दिखेगा, एंड मेन विलन होगा एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का। देखो, कैंग का रियल नाम नथानियल रिचर्ड्स होता है, एंड ये एक आम इंसान ही होता है हमारी तरह, बट किसी दूसरे यूनिवर्स में, एंड ये मिस्टर फैंटास्टिक रीड रिचर्ड्स का डिसेंडेंट भी होता है। इसके यूनिवर्स में डॉक्टर डूम ने टाइम ट्रैवलिंग डिस्कवर कर लिया था, एंड उसी का इस्तेमाल करके कैंग समय में पीछे अर्थ पर इजिप्ट में ट्रैवल करके आता है, एंड फैरो रामा टूट बन जाता है, एंड वहां से वो अपने टाइम का इस्तेमाल करके अर्थ को धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी कैप्चर करने लगता है। एंड इसके पावर्स होते हैं कि इसे पूरे मल्टीवर्स का कंट्रोल रहता है, एंड ये कहीं भी पूरे मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है। प्लस ये एक जीनियस भी होता है, इसका बैटल आर्मर ही इसकी ताकत है जिससे ये एनर्जी फॉर्म्स बनाता है, एंड एक उड़ान खटोला वाला सिंहासन पर बैठा रहता है हमेशा, जिससे दुनिया जमाने को हथियार एक्सेस कर सकते हैं उसमें। तो इतने सारे विलन्स हैं एवेंजर्स के, बट इनमें से सबसे पावरफुल आखिर है कौन? तो इसका सीधा आंसर छिपा है इनके सिर्फ एबिलिटीज़ में नहीं, बल्कि इनकी अचीवमेंट्स में भी।
तो अगर लोकी की बात करें तो उसने सिर्फ एवेंजर्स के ऊपर हमला किया था एक बार, वो भी न्यूयॉर्क शहर में, एंड उसे एवेंजर्स ने रोक भी लिया था। फिर बात करें अल्ट्रॉन की, तो उसने एवेंजर्स को तोड़ कर रख दिया था अंदर से, ओनली विद द हेल्प ऑफ वांडा एंड पियत्रो, एंड उसकी अल्ट्रॉन बॉट आर्मी ने सिर्फ सकोविया पर ही हमला किया था, एंड उसमें भी लोग उतने नहीं मारे गए थे। वही बात करें थैनोस की, तो उसने पहले तो हाथों हाथ एवेंजर्स को पेला, फिर जैंडार को तबाह किया, कलेक्टर एंड नोवेयर को तबाह किया, एवेंजर्स को बाण मारा, चुटकी बजा के हाफ यूनिवर्स को खत्म कर दिया, एंड इतना ही नहीं हुआ कि वापस टाइम में आगे आकर एंड गेम में फिर से एवेंजर से लड़ाई की, एंड उसमें भी भारी पड़ा बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के। एंड फिर कैंग का तो अभी अभी एमसीयू में जस्ट पहला कदम रखा है, बट कॉमिक्स में कैंग ने एवेंजर्स को हर यूनिवर्स में हराया है। जी हाँ, एक यूनिवर्स में तो कैंग डिस्गाइज होके आयरन मैन बनके पूरे एवेंजर्स को ही मार देता है, एंड कैंग पे अगर एवेंजर्स भारी पड़े तो भी वो टाइम में पीछे जाके उनको हराने से उसे रोक लेगा। लेकिन अगर ये चारों आपस में लड़े तो कौन जीतेगा? वेल, लोकी की तो डेफिनेटली हालत टाइट हो जाएगी, एंड बात करें अल्ट्रॉन की तो वो थोड़ी देर टिक जाएगा बट नॉट लॉन्ग इनफ। लेकिन असली बैटल तो होगी थैनोस एंड कैंग में। अगर कैंग के पास टाइम ट्रैवलिंग की एबिलिटी हुई तब थैनोस का कैंग को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज टाइम स्टोन भी कुछ नहीं कर पाएगा एंड कैंग के टाइम ट्रैवलिंग के आगे, एंड थैनोस सिर्फ इस यूनिवर्स में इधर उधर कर सकता है, बट कैंग मल्टीवर्स में कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर कैंग के पास टाइम ट्रैवलिंग वाली अपनी पावर नहीं हुई फिर उसे थैनोस से कोई नहीं बचा पाएगा। इवन अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है तब भी वो किसी को भी सिर्फ अपने हाथों से ही हरा देगा, बिकॉज सुपर स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट स्टाइल का कॉम्बिनेशन ही थैनोस को एक मैड टाइटन बनाता है। तो अगर सारे एस्पेक्ट्स को देखें जजिंग अपॉन अचीवमेंट्स, पावर्स एंड इंटेंशन, तो यहाँ क्लियरली विनर है थैनोस, बिकॉज उसकी अचीवमेंट भी बाकियों से ज़्यादा है, उसकी पावर्स बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के भी बहुत हैं, एंड उसका इंटेंशन भी सिर्फ पीस था, यूनिवर्स पे राज करना नहीं। इसलिए थैनोस अनडिस्प्यूटेडली विनर है इस बैटल का, एंड परहैप्स सबसे बेस्ट एंड पावरफुल विलन है एवेंजर्स के सारे विलन्स में अब तक। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी YouTube के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय।